कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला भज मोरे मुकुट श्री नंद लाला भज मोरे मुकुट श्री नंद लाला। बोले आनंद कंस श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। गत दिवस आप लोग श्रवण कर रहे थे कि हिरण्यकश्यप भक्त प्रहलाद को नाना प्रकार से कष्ट दे रहा है। जब उसने हाथी से कुचलवाकर सर्पों से डसवाकर विष दिलाकर भी भक्त प्रहलाद का कुछ नहीं कर पाया, तब वे बहुत चिंतित रहने लगा और कहने लगा कि इसको जेल में बंद कर दो। और ऐसे वैसे जेल में नहीं कि जहाँ पर कोई भी व्यक्ति जा न सके, सात गेट के अंदर बंद कर दो। अब भक्त प्रहलाद को सात गेट वाली जेल के अंदर बंद कर दिया गया और कहा गया इसको खाना पानी कुछ भी नहीं दिया जाएगा। और जब इसको खाना पानी नहीं दिया जाएगा तो ऑटोमेटिक अपने हाथ ही भूख और प्यास से समाप्त हो जाएगा। भक्त प्रहलाद को बंद कर दिया गया। अब भक्त प्रहलाद उस सात गेट के अंदर वाली जेल में अंदर बंद हैं, लेकिन वे अपने अंदर ही बैठ करके और राम की धुनी लगा दिए, राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 श्याम 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 श्यामा श्याम श्याम श्याम। बड़ी सुंदर ध्वनि लगी है, पूरा विश्व तो भोजन कर लिया, लेकिन भक्त प्रहलाद तो जेल के अंदर बंद, वहाँ पर पानी और भोजन पे पाबंदी लगी है, कोई व्यक्ति ले नहीं जा सकता। अब ले भी कैसे जाता, हिरण्यकश्यप का सख्त आदेश। वैकुंठ लोक में लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु जी को थाली लगाई, लेकिन भगवान विष्णु जी का वहां मन लग नहीं रहा। लक्ष्मी जी कहने लगे कि भोजन कर लीजिए। भगवान विष्णु ने कहा कि नहीं, मैं भोजन नहीं करूंगा। कहे क्यों, क्या बात है? भगवान विष्णु ने बताया कि आज मेरा भक्त सात गेट के अंदर बंद है और उसमें भी चारों तरफ से पहरा लगा हुआ है कि कोई व्यक्ति उसको भोजन न दे पाए। जब मेरा भक्त भूखा है तो मैं भोजन कैसे कर सकता हूँ?
लक्ष्मी जी ने कहा कि आप भोजन कीजिए, आपका भक्त को, आपके भक्त को मैं भोजन कराती हूँ। भगवान विष्णु ने कहा कि नहीं, जब तक मेरा भक्त भोजन नहीं कर लेता तब तक मैं भोजन नहीं करता। मेरी ये प्रतिज्ञा है कि अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहम्यहम्। कि जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करता है, मेरा भजन करता है, उसका मैं संपूर्ण योगक्षेम मैं ही वहन करता हूँ। और जो मेरा भक्त प्रहलाद है वे मेरे ऊपर ही आश्रित है, तो लक्ष्मी जी जाओ तुम पहले मेरे भक्त प्रहलाद को भोजन कराओ, और जब भक्त प्रहलाद भोजन कर लेंगे तो उसके बाद ही मैं भोजन करूंगा, मैं भोजन करूंगा। वैकुंठ लोक से आज लक्ष्मी जी चल दी, और जहां राम की धुनी जेल के अंदर भक्त प्रहलाद जी लगाए हुए थे, वहीं पर एक थाली ऊपर से उड़ती हुई आती है और ठीक भक्त प्रहलाद के सामने थाली गिर जाती है। उस थाली में 56 प्रकार का भोग, पूड़ी, सब्जी, मालपुआ, चटनी, रसगुल्ला, काला जाम, सफ़ेद जाम, पनीर, दही वड़ा इत्यादि, तो 56 प्रकार का भोजन वहीं लक्ष्मी जी एक स्त्री का रूप धारण करके, और वे केवल भक्त प्रहलाद देख रहे हैं और उनको किसी को कुछ भी दिखाई नहीं देता, और सबको दिखाई भी देता है तो केवल एक थाली भर दिखाई दे रही है, उसमें क्या है क्या नहीं है ये किसी को कुछ पता नहीं चलता। माता लक्ष्मी जी ने भक्त प्रहलाद को अपने हाथों से भोजन कराया, भक्त प्रहलाद जी भोजन किए, और जब भोजन कर चुके तो माता लक्ष्मी जी वहाँ से चली गईं, और लक्ष्मी और वे जो थाली है वे थाली भी उड़ती उड़ती अदृश्य हो गई। ये कहानी रोज की नित्य की रहती। जब एक महीना हो गया, हिरण्यकश्यप ने सोचा कि अब तो प्रहलाद मर गया होगा, क्योंकि एक महीना से जो भूखा है वे अब जीवित कहाँ होगा। जब हिरण्यकश्यप 7 गेट के अंदर पहुंचा तो वहां क्या देखता है कि पहले तो भक्त प्रहलाद दुर्बल भी थे, लेकिन अब तो भक्त प्रहलाद खूब अच्छे हट्टे कट्टे हैं। तब उसको शंका हो गई कि निश्चित रूप से जो मैंने यहां पर सुरक्षाकर्मी लगाए हैं इनकी कुछ चाल है। कहा कि सच सच बताओ, नहीं तो सबको फांसी दे दी जाएगी। तो जो मेन गेट पे सुरक्षाकर्मी था,
कहने लगा, महाराज और तो हमको कभी कुछ नहीं दिखाई दिया, लेकिन एक थाली ऊपर से उड़ती हुई आती है, फिर वे चली जाती है, इसके अलावा तुम्हें कुछ नहीं देखा। अच्छा, लगता है वे भगवान विष्णु जिनको बोलते हैं बहुत मायावी है, जो मेरा शत्रु है बहुत मायावी है, वे यहाँ पर भी निश्चित रूप से कुछ न कुछ अपनी माया जरूर फैला रहा, इसलिए अब यहाँ सही नहीं, प्रहलाद को वहाँ से निकाल लिया और निकाल करके एक खंभा था, उस खंभे को खूब अग्नि से गर्म किया। इसके पहले भी एक और घटना घटित हुई, वे घटना इस प्रकार से है कि जब प्रहलाद इस प्रकार से भी समाप्त नहीं हुए, तब हिरण्यकश्यप चिंतित रहने लगा, सोचने लगा कि अब क्या होगा, ये कैसे समाप्त होगा, क्योंकि मैंने तो प्रत्येक उपाय कर लिया, इसके बाद भी ये तो वैसा का वैसा ही है। तो हिरण्यकश्यप की बहन होलिका ने देखा कि भैया इस समय बहुत कुछ चिंतित रहते हैं। होलिका बोली, भैया क्या बात है, तुम इतने चिंतित तो कभी नहीं हुए, अब क्यों इतना चिंतित रहते हो? हिरण्यकश्यप ने बतलाया कि देखिए, चिंता की तो कोई बात नहीं थी, मैं जानता हूँ मेरा शत्रु बहुत छलिया है और मेरा लड़का जो है, मेरा बेटा, ये तो पुत्र नहीं कुपुत्र निकल गया, मेरे शत्रु से मिला हुआ है, इसको मारने के मैंने अनेक उपाय किए, लेकिन एक भी उपाय में मैं सफल नहीं हुआ। होलिका ने कहा कि भैया, अरे इस छोटी सी बात के लिए आप इतना चिंतित हो रहे हैं, मेरे पास ब्रह्मा जी की दी हुई चादर है और उस चादर को लेकर के मैं, फाल्गुन का महीना आने वाला है और इसी महीना में मैं पूर्णिमा के दिन बैठ जाऊंगी, उसी में भक्त प्रहलाद को बैठा लूंगी, भक्त प्रहलाद बस आग लगा देना, फूल खूब लकड़ी समिधा एकत्रित करके बस उसमें जल जाएगा, कहानी खत्म, और मैं तो चादर से बच जाऊंगा। हिरण्यकश्यप ने कहा, हाँ बहन, बहन हो तो इस प्रकार से। होलिका ने भी कहा कि भैया हो तो हिरण्यकश्यप जैसा। अब क्या हुआ कि फाल्गुन का महीना आया, इधर प्रतिपदा के दिन से ही आदेश दे दिया गया कि जितनी लकड़ी समिधा वो सब एक जगह पर एकत्रित करो, और एक जगह पर एकत्रित करने लगे। बताया गया पूर्णिमा के दिन इसमें होलिका बैठेगी प्रहलाद को लेकर के और जला दिया जाए। जब ये बात कयाधु की माँ, भक्त प्रहलाद की माँ कयाधु को पता चला, अब तो कयाधु दिन रात रोती रहती, कि अभी तक तो मेरा
प्यारा बेटा बच गया, लेकिन अब आग से कैसे बचेगा? दिन रात रोती रहती, ज्यों ज्यों दिन नजदीक आता है त्यों त्यों कयाधों का भोजन पानी भी सब छूट गया। भक्त प्रहलाद अपने छोटे छोटे हाथों से अपनी माँ के अस्त्र धाराओं को पोंछते हैं, कहते माँ चिंता मत करो, जैसे मैं हाथियों से बच गया, सर्पों से बच गया, पहाड़ से गिरा दिया वहां से बच गया, ठीक इसी प्रकार से माँ तुम चिंता मत करो, इसमें भी मेरे वे जो नारायण भगवान हैं वे रक्षा करेंगे, मत रो माँ। लेकिन माँ की ममता आंसू बंद नहीं होते हैं, जितना जितना भक्त प्रहलाद आंसू पोंछते हैं उतने उतने अस्त्र धारा तेज होती जाती है। जैसे तैसे माँ को समझाते हैं, धीरे धीरे पूर्णिमा का दिन आ गया। भक्त हिरण्यकश्यप के दूत भक्त प्रहलाद को जबरदस्ती माँ से छीन करके ले जाने लगे। कयाधु बड़ी तेजी तेजी से रोने लगी, अपना सर पटकने लगी, पीछे को गिर गई, बेहोश हो गई। जो नगर की जनता है, बूढ़े बूढ़े लोग, माता पिता सब, चारों तरफ वहां भीड़ लगाए हुए हैं, कहते हैं आपस में चर्चा करते हैं कि जो हमारा राजा है ये तो बहुत कसाई राजा है, देखो बेचारे भक्त प्रहलाद का क्या दोष है, वे तो भगवान का भजन करता है, हरि का नाम लेता है और ये उसी को मारने पे तुला हुआ है, अब तो ये आग में ही जलाने के लिए, जीवित जलाने के लिए सब उपाय किया है। सब नगरवासी अपने मन में कह रहे हैं कि मेरे जीवन का जितना पुण्य हो वे पुण्य भक्त प्रहलाद को मिल जाए और भक्त प्रहलाद अग्नि में जले नहीं। होलिका प्रहलाद को लेकर के बैठ गई, चारों तरफ से खूब बड़े बड़े मोटे मोटे लक्कड़ अग्नि के लगा दिए गए। अब इसके बाद अग्नि लगा दी गई, होलिका चादर ओढ़े हुई है, जैसे अग्नि लगाई गई तो जिस प्रकार से जब हनुमान जी ने लंका जलाई थी तो वहां पर 49 प्रकार के हवा चली थी, चले मरुत 49,
ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर ऐसी हवा चली कि उस हवा ने जो होलिका चादर ओढ़े थी वे चादर सब चली गई भक्त प्रहलाद के ऊपर, और होलिका लगी जलने। जब जलने लगी बड़ी तेजी से आवाज चिंघाड़ने लगी, सब लोग ये समझे, हिरण्यकश्यप समझा कि प्रहलाद जल रहा है और प्रहलाद चिंघाड़ रहा है। जल करके बिल्कुल अग्नि जैसी हो गई। जब प्रातः काल हुआ, हिरण्यकश्यप ने खुलवाया तो वहां पर क्या देखते हैं, बीचों बीच से भक्त प्रहलाद राम नाम की धुनि लगाते हुए और वहां से निकलते चले आ रहे हैं। राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 श्याम 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 श्यामा श्याम श्याम श्याम। जब भक्त प्रहलाद जी वहां से भी बच गए तब हिरण्यकश्यप कहा, अब और कोई दूसरे से उपाय नहीं, अब मैं ही इसको मारूंगा। और भक्त प्रहलाद के पास आकर के बोले, हे दुर्विनीत मंदात्मन कुल भेद कराधम स्तब्धम अक्षासनोद्धूतम नेसे त्वाद्ययम अक्षयम। हे दुर्विनीत मंद मूर्ख कुल भेदी अधम नीच, तुम मेरे शासन की मेरी आज्ञा का उल्लंघन करते हो और आज मैं ही तुमको यमराज के यहां भेज दूंगा। और एक खंभा था, लाल लाल खंभा, कहा कि इसी में तुमको बांध करके अवास भेज देंगे। भक्त प्रहलाद ने सोचा कि अग्नि जैसे खंभे से कैसे बचना होगा, भगवान की कृपा से क्या देखते हैं कि उस खंभे पे एक चींटी चलती हुई चली आ रही। भक्त प्रहलाद जी ने विचार किया कि जब ये चींटी नहीं जल रही तो हम कैसे जलेंगे। हिरण्यकश्यप ने कहा, भक्त प्रहलाद को बांध दिया खंभे से और कहा कि बताओ तुम किसके बल पर मेरी आज्ञा का उल्लंघन करते हो। कौन सा बल है और आज तुमको वे बल क्या बचाएगा। आज तो तुमको मैं यमराज के मुख में भेज ही दूंगा। भक्त प्रहलाद ने कहा कि राजन, जिस बल की बात आप करते हैं वे बल केवल मेरे में ही नहीं, न केवलम में भवतश्च राजन सवई बलम बलि नाम चा परेशाम परे वरे में स्थिर जंग माये ब्रह्मादयो ये नवस प्रणीता। कि आप जिस बल की बात करते हैं राजन वे बल केवल मेरे में ही नहीं, वे बल आप में भी है, उन्हीं के बल से
आप बोलते हैं, चलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, सभी में उन्हीं का बल है। और यहाँ तक है कि जितने भी चर स्थिर जो भी जीव जंतु हैं, सभी में उन्हीं का बल है। यहाँ तक कि ब्रह्मादयो ब्रह्मा आदि में भी उन्हीं का ही बल है, उन्हीं के उससे ये संपूर्ण संसार चलता है। अच्छा, तो कहाँ रहता है? प्रहलाद जी ने कहा, सर्वत्र, वे सभी जगह रहता है। वे हम में भी है, तुम में भी है, इस खड़ग में भी है, इस खंभे में भी है। तो हिरण्यकश्यप ने कहा, क्वासौ यदि स सर्वत्र कस्मास्तंभे न दृश्यते। यदि वे सभी जगह है तो स्तंभ में, खंभे में दिखाई क्यों नहीं देता? अखड़गम प्रगृहियोत् पतितो वरासनात् स्तंभ तताडा तिबला स्वमुष्टिना। और बड़ी तेजी से ऐसे मुट्ठी बांधी और मुट्ठी बांध करके बड़ी तेजी से घूंसा उस खंभे में मारा कि यदि इसमें है, हिरण्यकश्यप ने विचार किया कि इसमें है तो निश्चित रूप से मैं जब घूंसा मारूंगा तो मेरे घूंसा से वे मर जाएगा, समाप्त हो जाएगा। लेकिन भगवान ने विचार किया कि आज मेरे भक्त ने ये कहा है कि इस खंभे में भी है, और जब मैं ये घूंसा मारा है और इसमें से मैं नहीं निकलूंगा तो मेरे भक्त की बात झूठ हो जाएगी। तो इसलिए सत्यम विधातुम निज भृत्यभासितम। अपने सेवक, अपने भक्त प्रहलाद की बात को सत्य करने के लिए उसी खंभे में से तड़तड़ तड़तड़ की आवाज हुई और नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोले, नरसिंह भगवान की जय। जब नरसिंह भगवान प्रकट हो गए, हिरण्यकश्यप ने देखा तो कहता, अरे नायम ऋगो नापि नरो विचित्र महो किये तन्मृगेन्द्र रूपम। कि अयम, यह तो न तो मृग है और न मनुष्य है, आधा मनुष्य है और आधा सिंह है, तो क्या है ये? कराल दृष्ट्रम करवाल चंचल छुरांत जीवम भ्रुकुटी मुखोल्बणम। इसकी बड़ी भयंकर भयंकर आंखें, अब तो जब देखा हिरण्यकश्यप ने कि ये न तो मृग है न मनुष्य है, तो हिरण्यकश्यप एकदम बड़ी तेजी से क्रोधित हुआ और नरसिंह भगवान से
युद्ध करना प्रारंभ कर दिया। अब नरसिंह भगवान और हिरण्यकश्यप का युद्ध चल रहा है। ऊपर से देवता कह रहे हैं कि हे प्रभु, जल्दी कीजिए, इसको जीने का अधिकार नहीं है, क्योंकि ये भक्त प्रहलाद को बहुत कष्ट दिया है। प्रभु विचार कर रहे हैं कि अभी थोड़ा समय शेष है, जैसे सायंकाल का समय हुआ, सायंकाल के समय में उन्होंने हिरण्यकश्यप को से पकड़ लिया और पकड़ करके अपनी दोनों जांघों पे रखा। हिरण्यकश्यप से पूछते हैं कि बोलो बताओ, इस समय दिन है या रात है? तो उस समय सायंकाल की संध्या थी, न तो दिन था न रात थी। कहे अच्छा ये बतलाओ कि जो तुम देख रहे हो, मैं मनुष्य हूँ या जानवर? तब वे तो न मनुष्य थे न तो पशु, आधे पशु के रूप में थे आधे मनुष्य के रूप में थे। कह बोलो, मेरे पास कोई अस्त्र शस्त्र तो नहीं है, इत्यादि कह करके और अपने नाखूनों से हिरण्यकश्यप का पेट फाड़ दिए और वहां से जो उसकी आते इत्यादि हैं वे सब निकाल लिए। हिरण्यकश्यप अपने प्राणों को त्याग दिया। जैसे ही हिरण्यकश्यप ने प्राणों को त्यागा, तुरंत आसमान में जय शब्दो नमः शब्द साधु साध्विति चांबरे सुर सिद्ध मुनिन्द्राणाम आसीत कुसुम वर्षिणाम। आसमान में जय हो, नमस्कार, प्रणाम, अच्छा हुआ, ठीक हुआ, हिरण्यकश्यप मर गया। सभी देवता, सिद्ध, मुनि, सभी लोग पुष्पों की बरसात करने लगे और नरसिंह भगवान जाकर के ठीक हिरण्यकश्यप के सिंहासन पे जाके बैठ गए। अब जब बैठ गए तो उनका जो स्वरूप था बड़ा विकराल था, कराल दृष्ट, बड़ी बड़ी दांत, भयंकर नेत्र, छुरे की समान लंबी जिह्वा और भ्रकुटी मुख, और भ्रकुटी भयंकर मुख और भ्रकुटी भौंहें। तो सभी देवता स्तुति किए, लेकिन फिर भी नरसिंह भगवान का क्रोध समाप्त नहीं हुआ। तो ब्रह्मा जी ने लक्ष्मी जी से कहा कि लक्ष्मी जी, आप ही पधारिए, क्योंकि आप से ही, आप तो उनकी पत्नी हैं और जरूर आपसे मान जाएंगे। जैसे ही साक्षास्त्री प्रेषिता देवैर दृष्ट्वा तन्महदद्भुतम् अदृष्टाश्रुत पूर्वत्वात् सानोपेयाय संकिता। जब साक्षात श्री लक्ष्मी जी को देवताओं ने भेजा तो उन्होंने
अलौकिकम अद्भुतम अलौकिकम, अलौकिक रूप को देखा। अलौकिक रूप को देख करके कहने लगे कि नहीं नहीं नहीं, ये मेरे पति नहीं है, क्योंकि ऐसा तो मैंने न पहले कभी देखा ही था और न तो मैंने कभी सुना ही था, इसलिए ये मेरे पति नहीं। और तब तक नरसिंह भगवान भी अपना थोड़ा सा गर्जना कर दिए, और जैसे ही गर्जना किए लक्ष्मी जी एकदम पीछे की ओर भगी और गिर पड़ी। जैसे तैसे फिर वे वहाँ से हटी, तो ब्रह्मा जी ने भक्त प्रहलाद से ही कहा कि प्रहलाद तुम ही जाओ। और जब प्रहलाद को भेजा गया तो स्वपादमूले पतितं तमर्भकं विलोक्य देवः कृपया परिप्लुतः। सुपादमूले नरसिंह भगवान ने अपने चरण कमलों में भक्त प्रहलाद को गिरा हुआ बिलोक के देख करके एकदम कृपा से द्रवित हो गए और भक्त प्रहलाद को उठाए, उनके सिर पर अपना हाथ रखे, भक्त प्रहलाद जी को अभय कर दिए। भक्त प्रहलाद जी वहां पर बोलने लगे कि देखिए ना हम विभेम्य जितिते ति भयानकास्य, कि आपके इस भयानक मुख से मैं भयभीत नहीं हो रहा हूं, जो आपकी जिह्वार कनेत्र भ्रुकुटी रभसोग्रदृष्टात्, आपकी ये भयंकर जिह्वा नेत्र भ्रकुटी भयंकर भयंकर दांत, इनसे मैं उतना भयभीत नहीं हो रहा हूँ। यदि मैं भयभीत हूँ तो मैं किससे भयभीत हूँ, कि देखिए कि जैसे जीवै कतोचित बिकर सतिमा वितृप्ता शिष्णोन्नतस्त्वगुदरम श्रवणम कुतश्चित घ्राणोन्नतश्चपलद्रक क्वच कर्म शक्तिर् बहवा सपत्न इव गे हपतिम लुनन्ति। हे अच्युत, जैसे ये जिह्वा है, नेत्र हैं, आंख है, कान है, ये सब के सब उसी प्रकार से मेरे को खींचते हैं कि जैसे किसी व्यक्ति की, किसी एक व्यक्ति की मान लीजिए अनेक पत्नियां हैं, और सायंकाल के समय रात्रि के समय वे सभी पत्नियां अपने अपने कमरे की ओर उस व्यक्ति को खींचती हैं, ठीक इसी प्रकार से आज मेरी स्थिति हो रही है। नरसिंह भगवान ने कहा चिंता मत करो, तुम वरदान मांग लो। नरसिंह भगवान पहले इसके भक्त प्रहलाद के पूरे शरीर को चाटने लगे हैं। क्यों चाटे हैं, कि भक्त हिरण्यकश्यप ने भक्त प्रहलाद को बहुत कष्ट दिया, तो देख रहे हैं कि मेरे भक्त को कहां कहां घाव तो नहीं हो गया, सब को ठीक कर दिए, ठीक कर रहे। का वरदान मांग लो। भक्त प्रहलाद जी ने कहा कि आप
वरदान की बात करते हैं, मैं ये चाहता हूँ क्योंकि मेरे पिताजी यज्ञ विरोधी, ब्राह्मण विरोधी, देव विरोधी थे। अवश्य उनको नरक मिलना चाहिए, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पिताजी को नरक यातना न भोगनी पड़े। भक्त प्रहलाद के इस प्रकार से याचना करने पर नरसिंह भगवान कहने लगे कि त्रिसप्तभि पिता पोता पितृभि सहते नघ। अरे पुत्र, जिस घर में तुम्हारे जैसा पुत्र उत्पन्न हो जाता है उसकी 7 पीढ़ी आगे की, 7 पीढ़ी पीछे की और 7 पीढ़ी मामा पक्ष की, ये सबकी सब तर जाती हैं। इसलिए अब तुमको उनकी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। नरसिंह भगवान जो सिंहासन पर बैठे, सिंहासन पे इसलिए बैठे क्योंकि वे विचार कर रहे थे कि अब इस सिंहासन पर मेरा भक्त बैठेगा और ये हिरण्यकश्यप के द्वारा ये सिंहासन बहुत अपवित्र किया जा चुका है, इसलिए इस सिंहासन को पवित्र करने के लिए नरसिंह भगवान उस सिंहासन पे बैठे और सिंहासन को पवित्र कर दिए। नरसिंह भगवान ने कहा अब तुम राज करो, और भक्त प्रहलाद वहीं पे राज करने लगे। फिर जिस समय भक्त प्रहलाद जी ने राज्य किया है तो जिस प्रकार से राम जी के राज्य में संपूर्ण प्रजा सुखी थी, किसी को किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं था, ठीक इसी प्रकार से भक्त प्रहलाद जी के राज्य में किसी भी प्रकार का कोई भी कष्ट नहीं था प्रजा को, और सब बड़े आनंदित रूप से रहते थे। आइए दो बार भगवान का नाम लेते हैं, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला भज मोरे मुकुट श्री नंद लाला, भज मोरे मुकुट श्री नंद लाला। बोले आनंद कंस श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय।